ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी जी। गुड मॉर्निंग। दीदी जी, आज की श्रेष्ठ विचार। संसार में हर एक व्यक्ति कुछ अच्छा ऊंचा बनना चाहता है, लेकिन जब तक हम ऊंचा बनने के लिए कोई बहुत रुपये या डिग्रियों की जरूरत नहीं है, कुछ जीवन में धारणाएं करनी चाहिए। अगर तीन बातों को हम जीवन में धारण करें कि बाबा ने हमें हजारों लाखों सुमान दिए, हर दिन अपने सुमान में रहे, जितने सुमान में रहेंगे उतना हमारी सच्ची दिल बनेगी, और जितना हम दूसरों को सम्मान देंगे उतना हम उदार चित्त बन जाएंगे। अच्छा, जितना सुमान में रहेंगे उतना हमें सम्मान रहेंगे तो हमारी सच्ची दिल बनेगी, और जितना सम्मान देंगे उतना हम विशाल हृदय हो जाएगा। अच्छा, दूसरों को हम सम्मान देते हैं तो हमारा हृदय विशाल होता है, और जितनी दूसरों की सेवा करती है, सेवा के साथ साथ परोपकार करती है, दान की भावना रखती है, तो हम हमारे जीवन के अंदर उदार हृदय आ जाएगा, उदार चित्त आ जाएगा। तो हमें सम्मान में रहना है, सम्मान देना है, और सेवा में रहना है, परोपकार या दानी बनना है, तो हम विशाल हृदय बनेंगे, सच्ची दिल बनेगी और उदार चित्त बनेंगे। और तीन बातों का सदा ध्यान रखना है, ना किसी के लगाव में आना है, किसी के व्यक्ति वैभव वस्तु का लगाव हमें दुख देता है, किसी के भी लगाव में नहीं आना है। अच्छा। और ना किसी के झुकाव में आता है कि किसी ने कुछ कहा तो उसकी बातों में हम आ गए या झुक गए, ना लगाव में, ना झुकाव में, ना किसी के टकराव में आना है। तीनों बातें खराब है। अच्छा। कोई भी बात टकराने की कोई करता है तो अभी हमें शांति में रहकर अपने को शांत बना लेना है। तो कुछ कुछ धारणाएं जीवन में अच्छी अच्छी करते जाएंगे जो बाबा हमें रोज बताते हैं, तो हम अपने आप हमारा जीवन अच्छाइयों में और ऊंचाई में चलता चला जाएगा। ओम शांति। बहुत बढ़िया दीदी। ना हमें झुकाव में आना है, ना लगाव में आना है, ना टकराव में आना है। थैंक यू दीदी।